आपका नाम क्या है? स्वर, क्या नाम है? आज का नाम क्या है? किस का नाम क्या है? आज के नाम क्या है? आज का नाम क्या है? किस का नाम क्या है? आज का नाम क्या है? एक ही स्वर में बोलना गुरु, ठीक है? एक ही स्वर में, एक ही साथ और एक ही आवाज, एक ही लाइन सारे लोग। कितना? पांच वालों का नाम क्या है? बीस वालों का नाम क्या है? पांच वालों का नाम क्या है? बीस वालों का नाम क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश में है कुछ? अभी हटा देता हूँ, फिर तुमसे पूछूंगा, ठीक है? बन जाएगा ना? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए भैया, अभी तुम लोग को सोचते हैं छोटे, बहुत छोटे हो, ज्यादा हाई लेवल भी नहीं पढ़ा सकता, छोटे ही पढ़ाऊ। अभी तुम्हारे स्कूल में सिखाया जाता है कि के से क्या होता है खा, पढ़े होगे ना? अब के खा वाले पढ़ाएंगे, जी से क्या होता है, ओके ना? ऐसे पढ़ो, उल्टा पढ़ो, ऐसे पढ़ो ना। चलिए देखिए, के से क्या होता है स्कूल में सिखाया गया, किसने सिखाया? हम सिखाएंगे कैसे क्या नहीं होता, ठीक है? समझाया ना? देखिए स्कूल ने सिखाया कैसे क्या होता है, पुस्तक ने सिखाया कैसे क्या होता है, लड़का इसी को पढ़ लेता है इसलिए आगे चल के सुधरता है, ठीक है? हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए। के से बड़ा का नहीं होता है, के से होता है ओनली फॉर आधा का, क्या होता है? आधा, ठीक है? बताओ जी, मैंने जो लिखा था जी से क्या होता था? गा होता, तुम लोग कहते हो स्कूल में पढ़ा था ना? हम बेटा कहते हैं गा नहीं होता, सिर्फ आधा गा होता, जैसे जिसे, ठीक है? और देख लेते चलिए, एन से क्या होता है? एन, एन से ना होता है ना, तो स्कूल में पढ़ाया बेटा, हम पढ़ा रहे हैं आधा ना होता है, ठीक है? पूरा ना नहीं होता। अब मैं एक नाम लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, रमन, क्या लिखा? रमन, ठीक है? रमन, बताओ इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, जब अंग्रेजी में इंग्लिश में बनाएंगे इसको तो कैसे करेंगे? कोई है इसको अंग्रेजी करेंगे तो क्या सही है? सही है, चलो सही बन जाओ, माई स्कूल की तो ये गलत है, ठीक है? किताबों में ऐसा नहीं मिलता रमन, ठीक है? देखो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ा के जाऊंगे जिंदगी भूलो नहीं करेंगे, ठीक है? पूरा पढ़ लेना, मन से पढ़ लेना, मैं एक बार फिर से इसको हटा रहा हूँ, ऐसी तो फिर दोबारा पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ाने से पहले तुमको एक चीज बता देते, कहानी बता देते। मान लो एक गाँव में पाँच आदमी है, पाँच पुरुष है, कितने पुरुष है? पुरुष का मतलब जानते हो ना क्या? स्त्री का मतलब जानते हो? स्त्री का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं दो था स्त्री है, ठीक है? अभी पांच पुरुष एक गांव में, एक गांव में दो था स्त्री है, अब सबकी शादी करवाना है, बताओ कम पड़ जाएगी ना लड़की? ये लड़की ऑलरेडी तीन बेचारे रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे? रह जाएंगे, रह जाएंगे। अभी तीन को हाथ चला के दोगे, ऑलरेडी दो ही है, ठीक है ना? तो इसी तरह कॉन्सेप्ट है भैया, ए टू जेड का, ए टू जेड मैं पढ़ाया कि ए टू जेड में कितना चर है? छब्बीस, ठीक है? छब्बीस है ना? और का टू ग्यारह में कितना चर है गुरु? का टू ग्यारह में पता है का टू ग्यारह कितने हैं? टोटल 32 हो गया और एक 36 हो गया, ये दो आंकड़ा पहले सरकार ने कहा 36 होता था, कुछ है उसको आउट कर दिया है, जैसे आप पुस्तकों में देखे होंगे, खुद पढ़ाएंगे अच्छा कम कर रहे हैं, बने रहते हैं, तो उनको थोड़ा आउट कर, आउट कर दिया तो 32 बार बता दिया, पहले 36 थे, ठीक है? अब सोचो बात को, इस पूरी दुनिया की अंग्रेजी उसको माना होगा शायद इस तरह की दृष्टि वाला, देखिए स्कूलों में एक बार बता दीजिए बेटा, स्कूलों में ऋषि अंगा और कुछ ऐसे शब्द जिनको पढ़ाते हैं,
उनको कभी मत छोड़ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी चार को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही आगे चल के तुमको सिखा रहे हैं, ओके ना। देखिए अभी आज के बाद जो भी बारह खड़ी लिखना या छोटका वाला का या खासा वाला जो भी लिखना, उनमें से जो स्कूल बच्चे छुआ जाते हैं उनको कभी मत छोड़ना प्लीज, अगर जिनको सुधरना, ठीक है। यानी ऋषि अंगा जो इस तरह होता है ना, क्या कहते हैं, ये सब ये जिससे तुमको बोलते, ठीक है, सब सब उनको पढ़ना, ठीक है। बत्तीस, ठीक है, अब समझो आपको आधा का अंतर हो जाता है। अगर देखा जाए की ए टू जेड में जो मैंने पांच उठा के छुपाया था ना, वो भी एड है, तो और व्यंजन स्वर व्यंजन दोनों मिला के एबीसीडी में कितना हो गया, 26, कितना हो गया, बता था ना, कितना था रुपएगा, 5, कितने रुपए थे, 5, कितना बजट था, 21, भाई 21 व्यंजन बजट था, 500 बजट था, हम दोनों को फिर मिला के 26 हो गया ना। इसका मतलब ए टू जेड की कहानी में, ए टू जेड की कहानी में स्वर और व्यंजन दोनों मिला के 26 होता है, और अगर इसमें तुम मिला दोगे कबूतर स्वर और व्यंजन, तो 36-32 को पारी कर जाएगा, क्योंकि छोटा बड़ा वो स्वर कहलाता है ना, व्यंजन कबूतर खरगोश से मारोगे। तो समझ लो आपको कि पूरी दुनिया की अंग्रेजी जब बनाओगे हिंदी में तुमको बराबर बैलेंस चाहिए ना, साबित कर रहे हो ना, बराबर बैलेंस चाहिए, यानी कि अगर तुम कुछ भी अगर हिंदी में लिखते हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो बराबर चाहिए लैंग्वेज, बराबर हमको सब सब चाहिए, और ऑलरेडी सारा आधा पड़ जाता है, कितना पड़ जाता है, आधा, हिंदी का जस्ट आधा है, तो आधा को पूरा करने के लिए जानते हो क्या नियम बनाए जाते हैं, वो हम बताने जाते हैं, ठीक है, समझ लो आपको आधे शब्दों को पूरा करने के लिए कैसे करते हैं, तो अब वो चीजें बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था के से का, ठीक है, हमने बोला था बेटा का नहीं आधा का, एल से ना, हमने बोला था बेटा आधा ना होता, पूरा ना बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है।